हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेगालिथिक कल्चर, यानी कि बृहद पाषाणिक कल्चर। ठीक है, तो इसे हम शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो हम शुरू करते हैं मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, तो मेगालिथिक कल्चर को हम देखते हैं। तो मेगालिथ शब्द जो है वह यूनानी मेगास तथा लिथॉस से मिलकर बना है। ठीक है, तो मेगास का अर्थ होता है बृहद या विशाल, जबकि लिथॉस का पाषाण या प्रस्तर, यानी बड़े बड़े प्रस्तर खंड इस काल में प्रयोग किए गए हैं। कुछ जगहों पर छोटे छोटे प्रस्तर खंडों का भी प्रयोग किया गया है, और इसी वजह से इसे मेगालिथ कल्चर का भी नाम दिया गया है। ठीक है, मेगालिथ कल्चर यानी कि बृहद पाषाणी कल्चर। मेगालिथ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1840 ईस्वी तथा 1860 ईस्वी में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में किया जाने लगा था। ठीक है, मेगालिथ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुई, 1840 और 1860 के ईस्वी में पश्चिमी तथा उत्तरी यूरोप में। गॉर्डन चाइल्ड तथा अन्य विद्वान के अनुसार मेगालिथ किसी अंधविश्वास या धार्मिक उद्देश्य से बनाए जाते थे। ठीक है, मेगालिथ बनाने का जो कार्य होता था वो किसी धार्मिक अनुष्ठान या फिर अंधविश्वास के कारण, यानी कि इसमें जहाँ कब्र है, कब्र के पास बड़े प्रस्तर खंड को गाड़ा जाता था या फिर उनके चारों तरफ इस तरीके से रखा जाता था, जिसे हम आगे देखते हैं। ठीक है, यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका, इन तीनों क्षेत्र से काफ़ी सारे अवशेष मिले हैं। व्हीलर के अनुसार समाधिकरण तथा दाह संस्कार से संबंधित है, जिनका प्रयोग मृतकों को दफनाने या उनकी स्मृति के रूप में या फिर पहचान के रूप में किया जाता होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारत से बृहद पाषाणिक स्मारकों के क्षेत्र जो प्राप्त हुए हैं, उसे तो मुख्य रूप से इसे तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय और विदर्भ क्षेत्र से प्राप्त बृहद पाषाणिक स्मारक संस्कृति। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम 1851 तथा 1862 में सोरापुर दुआब, जो कर्नाटक में है, ठीक है, सोरापुर दुआब कर्नाटक, और यहीं के उत्खनन से सर्वप्रथम बृहद पाषाणी कल्चर की बारे में पता चला था दक्षिण भारत में। 1889 टू 1905, ठीक है, 1905 ईस्वी के बीच अलेक्जेंडर री के द्वारा आदि चन्नालूर एक पूरा स्थल है, ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु में आदि चन्नालूर, ठीक है, यहाँ से अस्थि कलश, अस्थि कलश कहने का मतलब कि कलश के अंदर बॉडी को रखकर और इसे ढककर जमीन में दफना दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, री ने 1904 और 1908 के बीच पेरुम्बियार पुरास्थल की खोज की तथा उत्खनन भी की, और यहाँ से भी पेरुम्बियार से भी जो है मेगालिथ कल्चर के साक्ष्य मिलते हैं। व्हीलर के द्वारा ब्रह्मगिरी का उत्खनन 1947 में किया गया, ये भी मेगालिथिक कल्चर से संबंधित है। दक्षिण भारत की सबसे फेमस साइट जो है मेगालिथिक कल्चर को लेकर मास्की, संगनकल्लू, फिकलीहल, पलवाय, कुनूर, अमृतमंगलम और पय्यमपल्ली। अब हम देखते हैं, तो दक्षिण भारत से कुल 7 बृहद पाषाणिक समाधि पाई गई हैं, यानी कि 7 प्रकार की, जिसमें सबसे पहले है डोलमेनॉइड, ठीक है, सिस्ट, डोलमेनॉइड सिस्ट, जिसमें भूमि पर शव को, ठीक है, भूमि पर एक शिलाखंड रखकर और उसके ऊपर शव को रख दिया जाता था, मतलब इस तरीके से एक शिलाखंड और इसके ऊपर में शव को रख दिया जाता था तथा अन्य सामग्री यहाँ रख करके और उसके चारों ओर शिलाओं से उसे घेर देते थे, जिसकी तस्वीर यहाँ देखिए बनाई गई है यहाँ पर इसका ये, ठीक है, और इस तरीके से इसको यहाँ रखा जाता था भूमि पर शिलापट रख करके बॉडी, और ये ऊपर से ढक दिया गया है, पत्थरों से घेरा गया है, इसे डोलमेनॉइड सिस्ट कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं संगोरा समाधि, खोदे हुए गड्ढे में मानव शव को रख कर उसे मिट्टी से ढक दिया जाता था, देखिए गड्ढे खोद कर इसमें मानव शव को ढक दिया गया है, और उसके बाद उसके चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर या बड़े बड़े पत्थर जो भी हो उसे गोलाकृति आकार में रखा जाता है, इसे संगोरा कहते हैं।
छत्रशिला, गड्ढे में मानव अस्थियों को रख कर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाता है तथा समाधि के ऊपर चार प्रस्तर खंडों को खड़ा करके इस तरीके से और उसके ऊपर से एक गोलाकार पत्थर को रख दिया जाता है, यह इस तरीके से, ठीक है, छाते के आकार के, यह यहाँ है ताकि ये छाते के आकार के दिखे, इसी वजह से इसे छत्रशिला भी कहते हैं। उसके बाद फन शिला, जैसे सांप के फन, मानव की समाधि को जमीन में गाड़ने के बाद एक गोलाकार तराशा हुआ पत्थर औंधा करके रखते हैं जो दूर से सर्प के फैले फन की तरफ प्रतीत होते हैं। इसे भारत में कोडाइकल कहा जाता है, ठीक है, यानी कि शव को यहाँ रख करके ढक दिया गया और इसके ऊपर से बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता है जो फन की तरह, सांप के फन की तरह, और इसे दक्षिण में कुड़ाइकल कहा जाता है। उसके बाद पांच में पसान स्तंभ, मिन्हीर समाधि का निर्माण करने के बाद शव को दफनाने के बाद एक बड़ा प्रस्तर खंड जो ऐसे यहाँ शव को रख करके और यहाँ पर बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा गाड़ दिया गया, ये पसान स्तंभ। मास्की से इसके प्रमाण मिले हैं तथा कर्नाटक के गुलबर्गा से एक ही स्थान से सैकड़ों यानी कि काफ़ी संख्या में मेन्हीर प्राप्त हुए, कहाँ से, गुलबर्गा। गुफा समाधि नंबर सिक्स, ये समाधि लेटराइट की चट्टानों को काटकर बनाई जाती हैं जिसकी छत जो है आयताकार या वर्गाकार हो सकती है। समाधि तक पहुँचने हेतु सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है और इन गुफाओं में एक से अधिक शव को, जाहिर सी बात है एक जगह पर गुफा बना रहे हैं तो वहाँ पर एक से अधिक शव को वो रखेंगे, ठीक है, गुफा समाधि। फिर सबसे लास्ट है दक्षिण भारत में अंत्येष्टि कलश समाधि, मिट्टी के बड़े पात्रों में बच्चों के शवों को रखकर दफनाए जाते थे। कुछ शव मंजूषाओं में पशु के पैर की आकृति भी बनाई गई है जैसे यहाँ, ठीक है, और ये जो है कलश है इसमें बच्चे के शव मिले हैं। अमृत मंगल से मत्स्यकार पात्र भी मिले हैं जिसे सर्गोफेगी या सार्कोफेगी नाम दिया गया है तथा चिंगाले पुत के सानूर से अंत्येष्टि पेटिकाएँ मिली है यानी पेटी का इस तरीके से और इसमें शव रखा गया है। हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। दक्षिण भारत की बृहद पसानिक संस्कृति से कृष्ण लोहित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। फावड़ा, तलवार, त्रिशूल, बसूला, चाकू, हंसिया, मछली पकड़ने के कांटे, बनाग्र, लोहे, घोड़े के नाल, लगाम आदि भी प्राप्त हुई है, ठीक है। दक्षिण भारत की बृहद पसानिक संस्कृति के लोग नदियों एवं झरनों के किनारे बसे थे जहाँ जमी उपजाऊ थी और इस कारण धान, जौ, रागी तथा चना की खेती की जाती थी। पशु में अगर बात की जाए तो पशु में गाय, बैल, भैंस, अश्व, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पाला जाता था, इसमें आप पीला जाता लिखा गया, पाला जाता था, ठीक है। संगम साहित्य जो है, संगम साहित्य साउथ में है, यह दक्षिण भारत में लिखी गई थी, से पांच मृतक संस्कार का उल्लेख मिलता है, दाह संस्कार, समाधिकरण, शव मंजूषा, अंत्येष्टि कलश तथा शवों को खुला छोड़ देना। ब्रह्मगिरी से बृहद पसान स्मारकों की तिथि जो है 200 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व के मध्य आती है। कोयम्बटूर में स्थित सुलूर से एरन प्रकार का एक सिक्का मिला है, ठीक है, कोयम्बटूर से सुलूर एक इस जगह, सुलूर से कोयम्बतूर में सुलूर जो है एक प्लेस, वहाँ से एरन प्रकार का एक सिक्का मिला है जिसे जॉन एलन ने इसकी तिथि द्वितीय तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व निर्धारित की है। कोयम्बतूर स्थित पांडुकुली से ऑगस्टस जो एक रोमन शासक था इसका चांदी का सिक्का भी मिला है। कृष्ण लोहित मृदभांड के आधार पर बैनर्जी ने इस कल्चर की यानी इस संस्कृति की तिथि 800 ईस्वी पूर्व, कौन सी संस्कृति, तो मेगालिथिक, ठीक है, मेगालिथिक कल्चर की 800 ईस्वी पूर्व निर्धारित की है। उसके अलावे हम देखते हैं उत्तर भारत नेक्स्ट क्षेत्र, तो 19वीं शताब्दी में कार्लाइल ने उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित मिर्जापुर जिले
कि दक्षिणी अंचल में इस प्रकार की समाधियों के बारे में सूचना दी थी। अल्मोड़ा के क्षेत्र से डोलमेन संगोरा में निहित शिष्ट प्रकार की समाधियाँ खोजी गई हैं। उत्तर प्रदेश में काकोरिया, हेतिमपुर, कौरीहार, मघा, पनिहावा, बंजारी, पोखरा, सोंगढ़ा, कोटिया तथा मध्य प्रदेश में अदियापुर, सर्दमान, हरदी, जोगीबीर, नकवाल, झपरहवा, ये सभी जो हैं मेगालिथिक कल्चर के साइट हैं। नॉर्थ के क्षेत्र में हम देखते हैं संगोरा समाधि का कोरिया से प्राप्त गांगे समाधियों से पूर्ण कंकाल न मिलकर कुछ अस्थियां मिली हैं, ठीक है, कुछ अस्थि ही मिली है, जबकि एक सावधान से सोने की अंगूठी भी मिली है। कोटिया से समाधि में मानव अस्थि न होकर गाय बैल की अस्थि अथवा मृदभांड रखे हुए हैं। यानी कोटिया एक जो प्लेस है वहाँ पर समाधि में गाय बैल की अस्थि रखी हुई है। हो सकता है उनकी मान्यता हो किसी प्रकार की, जिसके वजह से, क्योंकि यहाँ तो इस समय तो लेखन कला के बारे में कुछ कहा नहीं गया कि इस समय के लेखन कला कुछ हमें प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है, और अस्थि के साथ साथ यहाँ पर गाय बैल के अस्थि के साथ साथ मृदभांड रखे हुए हैं, तो लेखन कला प्राप्त न होने के कारण हम सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज पर ही निर्भर हैं। शिष्ट समाधियाँ जो हैं चित्रकूट के ओहन और झूरी नदी की घाटियों से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र में शिष्ट समाधियों में शिलाओं में छिद्र या गवाच नहीं बनाए गए हैं, जबकि कोटिया से प्राप्त गाय बैल की अस्थि मिली है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कोटिया में जो शिष्ट समाधि है वहाँ से भी गाय बैल की अस्थि मिली है, यानी कि कोटिया में संगोरा और शिष्ट दोनों में गाय बैल की अस्थि ही मिलती है। कुछ फैक्ट्स हैं, अल्मोड़ा क्षेत्र से प्राप्त शिष्ट समाधियों में अश्व के अस्थि के अवशेष के साथ लाल, धूसर और काले रंग के पात्र तथा साधारण कटोरे और टोटीदार पात्र भी मिली हैं। उलेरी से लोहे के प्रयोग के प्रमाण भी मिले हैं। उसके बाद उत्तर भारत में ही हम देखते हैं मेन्हीर, विंध्य क्षेत्र के मंदाकिनी पैश्वनी घाटी में मेन्हीर समाधि के प्रमाण मिलते हैं, जबकि अंत्येष्टि कलश सनन व बसेरी से अंत्येष्टि कलश मिली है। कलश के रूप में लाल या काले रंगों का घरे का प्रयोग किया गया है, जिन्हें प्रस्तर दीवारों से सुरक्षित किया गया है, ठीक है, यहाँ जो है लाल या काले रंग के घरे का प्रयोग किया गया है और इसी में बॉडी को रखकर दफनाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं विदर्भ क्षेत्र को, तो विदर्भ क्षेत्र में 1959 और 60 मौरझरी, 60-61 कौंडिन्यपुर और 61-62 में जूना पानी की खोज हुई। यहाँ के विदर्भ क्षेत्र में तकाल घाट, खापा, मौरझरी, नयकुंड, पवनार, खैरवारा का उत्खनन एस बी देव ने कराया है। इन स्थलों से संगोरा समाधि सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई है और इन समाधियों में मानव अस्थि के साथ साथ पशु अस्थि भी रखी हुई हैं। उसके अलावा कृष्ण लोहित मृदभांड, ताम्र तथा लौह उपकरण और माणिक्य के मनके भी मिले हैं। तकाल घाट से लौह उपकरण में बनाग्र, भालाग्र, तलवार, कटार, चाकू, कुल्हारी, कील, मछली पकड़ने का कांटा, घोड़े का लगाम आदि प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो विदर्भ क्षेत्र से, ठीक है। एंड दोस्तों, तो ये था हमारा मेगालिथ कल्चर। आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।